मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की रिहाई को लेकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध, प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सत्याग्रह के क्रम में शनिवार से झांसी रसोई के तहत शहर की आंतरिक गलियों व जिले के ग्रामीण इलाकों में महाभोज का आयोजन करेगी, जिसमें गरीब मजदूर व जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। शहर के पार्टी कार्यालय में बैठकर एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए शहर अध्यक्ष नफीस अनवर और गंगापार अध्यक्ष राम किशोर पटेल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर अजय लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस सत्याग्रह के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर प्रवासी श्रमिकों के लिए महाभोज का आयोजन करेगी। उस दौरान कांग्रेसी लल्ला पट्टी बांधकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज करेगी। आक्रोशित कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर भी नारेबाजी भी की। कहा कि यदि प्रदेश अध्यक्ष को जल्द रिहा नहीं किया जाता तो कांग्रेसी जेल भरों आंदोलन भी करेंगे। पत्रकार वार्ता का संचालन जोनल प्रवक्ता जावेद उर्फ ने किया। पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई नहीं हुई तो हम कांग्रेस जन सड़कों पर आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में आज 48 घंटे पूरे हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार ने अभी तक अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर किए गए फर्जी मुकदमे को वापस नहीं किया। हम कांग्रेस जनों ने और माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में महाअभियान रसोई का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कल से हम लोग इलाहाबाद के अंदर 5,000 श्रमिक, कामगार और गरीब तबकों को खाना बनाकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध होगा। काली पट्टी बांध के हम लोग ये विरोध करेंगे और हर घर, हर दरवाजे तक काली पट्टी बांध के उनके घरों तक भोजन पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार के बारे में आम जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने आम जनता, श्रमिक, कामगारों का पेट भरने का काम किया था, उनको पिछले 20 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे फर्जी मुकदमे में फंसा के भेजा गया है। हम उसका विरोध करते हुए 25 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में खाना खिलाने का, भोजन कराने का काम करेंगे। जब तक ये रिहाई नहीं होती तब तक ये जारी रहेगा आपका? निश्चित तौर पर जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और इस आंदोलन का उग्र रूप भी आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई नहीं किया तो इससे भी ज़्यादा उग्र रूप आपको कांग्रेस जनों का प्रयागराज के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नफीस अनवर, नगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल।